बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस प्रैक्टिकल में हम HTML के एडिटर के बारे में बात करेंगे और HTML की कुछ बेसिक एग्जांपल्स करेंगे और HTML के एलिमेंट्स क्या होते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं HTML के एडिटर से। लास्ट लेक्चर में हमने बात की कि अगर हमने कोई वेब पेज बनाना है तो हमें HTML की ज़रूरत पड़ती है और HTML का कोड लिखना पड़ता है। कोड बेसिकली HTML की वो लाइंस, वो टैग्स, वो एलिमेंट्स हमने याद रखने हैं जिनको हमने अपने पेज के ऊपर इंप्लीमेंट करवाना है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एडिटर ओपन करने के लिए, मतलब एडिट करने के लिए, HTML के डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमने अपने सर्च बॉक्स में जाना है और वहाँ पे सर्च बार पे हमने लिखना है नोटपैड। नोटपैड एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे सबके लैपटॉप्स में मौजूद है बाय डिफ़ॉल्ट, और इसको हम यूज़ करते हुए अपने पेज को जो है वो बना सकते हैं, वेब पेज को। तो सबसे पहले टैग हमने क्या देखा था कि वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से इसकी फ़ाइल को सेव करेंगे तब हमारा जो वेब पेज है वो तैयार होगा। इसके कोड यहाँ पे चलेगा, बैकएंड जैसे IDE होता है इसके लिए, डिफरेंट IDE, सबलाइम या विजुअल भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो हम मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि आपने क्या यूज़ करना है। लेकिन सबसे आसान तरीका यही है कि आप नोटपैड ओपन करें और उस पर अपनी HTML की कोडिंग जो है वो स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले हमने लिखना होता है डॉक टाइप। डॉक टाइप लिखने के बाद हमने डॉक टाइप मेंशन करनी है कि डॉक टाइप क्या है, HTML, ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर कि ये जो काम कर रहे हैं हम वो किस में कर रहे हैं, HTML में। एक इसका स्टार्टिंग टैग और साथ में इसका क्या आना चाहिए, क्लोजिंग टैग। तो इसका क्लोजिंग टैग भी यहाँ पे हम लगा देते हैं। अब इन टैग्स के अंदर ही सारा काम होगा HTML का। तो HTML के टैग के बाद हमारे पास टैग आता है हेड का। हेड का टैग स्टार्ट और हेड का टैग एंड, इस तरीके से। ये एंडिंग टैग है और ये हेड का स्टार्टिंग टैग है। अब इन दोनों के दरमियान में हमारे पास क्या चीज़ आती है, टाइटल। तो मैं ये इस वजह से थोड़ा स्पेस से लिख रहा हूँ ताकि आपको जो टैग्स हैं उनमें आपस में फ़र्क और उनकी कहाँ से वो स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ पे एंड हो रहे हैं, वो आपको अच्छे तरीके से समझ आए। तो यहाँ पे हम लिखते होते हैं बेसिकली टाइटल। टाइटल कहीं से स्टार्ट होता है और कहीं पे ख़त्म होता है। पहले तो मैं आपको ये वैसे पेज रन करके दिखाऊंगा टाइटल में कुछ लिखे बगैर, ताकि आपको पता चलेगा कि टाइटल बेसिकली आता कहाँ पे है। तो ये हमारा हो गया हेड का पार्ट कंप्लीट। अब हम बात करेंगे बॉडी के पार्ट पे। यहाँ से मैं बॉडी का टैग स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे बॉडी का टैग ख़त्म कर रहा हूँ। ये असल में ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप जैसे ही कोई टैग ओपन कर रहे हो या स्टार्ट कर रहे हो तभी आप उस टैग को जो है वो क्लोज़ भी कर दो और उसको एंटर दबा के उसमें स्पेस आप पहले से मेंशन कर दो और उसके अंदर फिर लिखना स्टार्ट करो, ताकि आप ये ना भूल जाओ कि आपने किस टैग को क्लोज़ नहीं किया। तो यहाँ पे हमने इस टैग को क्लोज़ कर दिया। अब इसके अंदर हम लिख सकते हैं कुछ भी, जैसे मैं H1 का टैग स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे और H1 का टैग क्लोज़ कर रहा हूँ, और इस टैग के दरमियान में बेसिकली जो भी चीज़ मैं लिखूँगा वो उस पे H1 जो भी है वो अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई फर्स्ट पेज। ये मैंने इसके अंदर सिंपल लिख दिया है, आप देख सकते हो कि इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं मैंने लिखी। अब यहाँ पर एक और मैं टैग ऐड करता हूँ पी का, पी फॉर पैरा। तो ये मैंने पैरा का टैग स्टार्ट कर दिया और ये पैरा का टैग जो है वो एंड कर दिया। अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ। तो ये मैंने एक जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है, जो बेसिक चीज़ें हैं उसके अंदर वो आ चुकी हैं। मेरा HTML
कि बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक वर्क कर रही है, एचटीएमएल का बॉक्स और हेड का यहाँ से यहाँ तक, बॉडी का यहाँ से यहाँ तक। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि जो भी चीज़ हम बॉडी के अंदर लिखेंगे वही चीज़ हमें डिस्प्ले होगी ब्राउज़र के ऊपर। तो इसको अब सेव करने का तरीका है, आपने कंट्रोल एस दबा देना है, ठीक है? आपके पास ये इस तरह से उस इस नोट पैड की जो फाइल है इसको सेव करने का ये तरीका आएगा कि डॉट टेक्स्ट में आप सेव कर सकते हैं। लेकिन आपने इसे डॉट टेक्स्ट में सेव नहीं करना, बल्कि आपने इसे, आप कोई भी नाम दे के इसे, जैसे मैं इंडेक्स का नाम देता हूँ इसे, और आगे डॉट एच टी एम एल, मतलब एच टी एम एल की एक्सटेंशन आपने यहाँ पे लाजमी ऐड करनी है। और फिर उसके बाद अब डेस्कटॉप पे मैं इसे सेव कर रहा हूँ और ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ डेस्कटॉप पे, ये देखें इंडेक्स की फाइल मेरे पास डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और ये देखें आप, यही मैंने लिखा था H1 में माई फर्स्ट पेज, और ये मेरे फर्स्ट पेज के ऊपर हेडिंग के तौर पे शो हो गया। जो मेरा पैराग्राफ था उसको मैंने लिखा था, और वो भी मेरे पैराग्राफ जो था वो मेरा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया मेरे ब्राउज़र के अंदर। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो पेज है बेसिकली इसका जो नाम है, इसको मैं यहाँ स्टार्टिंग भी कर लेता हूँ ताकि आपको इजी समझ लग जाए। इसका जो नाम है वो है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, जो यहाँ पे जो फाइल का नाम है वो ही यहाँ पे एज अ टाइटल शो हो रहा है। तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा कि मैं वापस अपने इस डॉक्यूमेंट की फ़ाइल में आऊँगा, एच टी एम एल की फ़ाइल में आऊँगा, और यहाँ पे मैं टाइटल के अंदर जो भी चीज़ लिखूँगा वो मेरे उस पेज के ऊपर डिस्प्ले होगी। तो मैं सपोज करो यहाँ पे लिखता हूँ माई फर्स्ट पेज, ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसको कंट्रोल सेव करूँगा, यहाँ पे ये चेंजिंग सेव हो गई है। अब वापस से मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे और इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये चेंज हो चुका है, यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है माई फर्स्ट पेज। तो ये बेसिक तरीका है कि किस तरीके से आप वेब पेज को बना सकते हो यूजिंग नोट पैड। नोट पैड पर जो भी हम टैग्स लिखेंगे इसके लिए, इसको रीड किसने करना है बेसिकली, इसको कंपाइल कौन कर रहा है, इसको कंपाइल ब्राउज़र कर रहा है, ब्राउज़र इसको रीड कर रहा है इन सारी फाइल्स को। उसे पता है कि इस टैग के आगे जो भी चीज़ डिस्प्ले करवाने के लिए है वो यहाँ पे करवाऊँगा, जो बॉडी के अंदर चीज़ें हैं जैसे H1 है तो उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, P का टैग है तो उसको यहाँ पे इस तरीके से इस फॉर्मेट में मैंने डिस्प्ले करवाना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ब्राउज़र को पता होती हैं, तो वो ब्राउज़र बेसिकली इसको कन्वर्ट कर रहा होता है। अब मैं जो बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको रेफ़र करूँगा वो है W3 स्कूल की जो वेबसाइट है, वहाँ से आप लोग हेल्प ले सकते हो, और वहाँ से ये सारा हमारा कोर्स चलेगा जितना भी ये हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे। तो मैं इसको इसको रेफ़र करता हूँ क्योंकि ये द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेब डेवलपर साइट है, यहाँ पे बहुत अच्छी एग्जांपल्स आपको मिल जाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन कंपाइलर मिल जाएगा, वो किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं कि हर कोड के नीचे लिखा होता है ट्राई इट योर सेल्फ। आप इस पर क्लिक करोगे तो आप एक नई विंडो में आ जाओगे जहाँ पे आपको ये एडिटर मिल जाएगा, जहाँ पे आप कोड ऐड कर सकते हो, और साथ में ही आपको वेब ब्राउज़र पे जिस तरीके से ये कोड डिस्प्ले होगा वो आपको नज़र आएगा। अब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, यहाँ माई फर्स्ट हेडिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं कुछ और भी लिख देता हूँ, सपोज कुछ भी लिख दिया मैंने, और इसको मैं करता हूँ रन। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर ऐड हो गया उसी टाइम पे, और मुझे ये बेसिकली हमारा टाइम बचता है और प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाती है। तो मैं रेफ़र करूँगा कि आप इसको अभी यूज़ करो। इस पे हम पूरी वेबसाइट तो नहीं बना सकते, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ये लर्निंग के लिए है, लर्निंग के लिए हम इस पे कोड करके उसकी डिस्प्ले देख सकते हैं कि वेब ब्राउज़र पे वो किस तरह से डिस्प्ले हो सकता है। जैसे ये एक पैराग्राफ है, इसको मैं कॉपी करता हूँ इस कोड को, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ दोबारा से, और यहाँ पे इसके अंदर लिखता हूँ कि ये नंबर 2 है, नंबर 2। तो इसको मैं रन करूँगा और आप देख सकते हो कि एट द सेम टाइम ये हमें रिज़ल्ट शो कर रहा है, और कोई विंडोज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मुझे क्या करना पड़ता था कि पहले यहाँ पे कोड मैं एडिट करके उसे सेव करूँगा, फिर इसको मिनिमाइज़ करूँगा, और फिर अपना ये ओपन करूँगा, और फिर चेक करूँगा इसको रिफ़्रेश करके कि क्या उसकी आउटपुट है जो मैंने चेंज किया है। तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, एट द सेम टाइम हमें वो चीज़ जो है जो एडिट कर रहे हैं वो एट द सेम टाइम हमें वो नज़र आ रही है।
तो इसमें जितनी भी एग्जांपल्स हैं उन सब में इन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है आपको, और नीचे ट्राई इट योरसेल्फ, आप इस पे क्लिक करोगे वो एग्जांपल आपको एडिटर पे या दूसरे टैब में ओपन हो जाएगी, वहाँ पे इसका डिस्प्ले आपको वो शो कर देंगे कोड के साथ। तो यहाँ पे बेसिक एग्जांपल सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आप बेसिक एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। एडिटर, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि एडिटर किस तरह से वर्क करता है। अगर आप कहेंगे कि आप नोटपैड पे वर्क करना चाहते हैं तो मैं जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे वो नोटपैड भी कर दूंगा, नो इश्यूज़। लेकिन इसमें हमारा टाइम बच जाएगा क्योंकि मैंने आपको जो सारा कोड लिख लिख के और वहाँ पर डिस्प्ले में दिखाना है वो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं और वेरी इजीली। तो HTML, सबसे पहले HTML डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। HTML डॉक्यूमेंट्स, डॉक टाइप जो जो हम लिखते हैं वो बेसिकली क्या रेफर करता है कि ये जो चीज़ है, जो चीज़ स्टार्ट होने वाली है वो क्या है, डॉक टाइप है। जो है डॉक टाइप उसकी क्या है, HTML है। द HTML इटसेल्फ बिगिंस विद HTML एंड एंड्स विद टैग HTML क्लोजिंग टैग है ये। जो भी HTML का कोड है, जो भी HTML की चीज़ें हैं, जो भी HTML के एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे HTML के टैग के अंदर ही आएंगे। द विजिबल पार्ट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स इज बिटवीन बॉडी, जो बॉडी के टैग्स के दरमियान में जो भी चीज़ लिखी होगी वो विजिबल पार्ट होगा जो हमें ये ब्राउज़र के ऊपर नज़र आता है। अब यहाँ से एक और मैं आपको टिप बताता चलूँ कि वेब पेजेस तो हमारे पास बहुत सारे हैं पहले से ही मौजूद, तो हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि इसमें कोड क्या चल रहा है और इसमें किस तरह से डिज़ाइन हुआ है। तो हमारे पास गूगल क्रोम में यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आता है व्यू पेज सोर्स, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे इस पेज का सोर्स सारा पता चल जाता है कि ये देखो HTML, ये इसका हेड है, ये टाइटल है इसका, टाइटल जो हमें ऊपर नज़र आता है ये देखो, आप देख सकते हो कि HTML बेसिक यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइटल के अंदर भी HTML बेसिक लिखा हुआ है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टैग्स हैं जो आपको अभी तो समझ नहीं आ रहे होंगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएंगे आपको भी। ये स्टाइल का टैग है, स्टाइल का टैग हम कहाँ यूज़ करते हैं ये भी बात करेंगे, और ये देख सकते हो आप कि कितनी बड़ी फाइल है। तो वेब पेजेस को इसी तरीके से बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फाइल्स यूज़ करनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा जो है लॉजिक लगानी पड़ती है। ये सारी चीज़ें जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल है, अब इसको एक दफ़ा ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी कोड आपको एग्ज़ाम्पल में लिखा हुआ नज़र आएगा वो लेफ़्ट साइड पे एज अ जैसे हम नोट पैड पर लिखते थे वो कोड है, और इसकी जो डिस्प्ले है ब्राउज़र पे वो इस तरह से हमें शो होगा यहाँ पे। ये बेसिकली एग्जांपल थी डॉक टाइप के लिए कि HTML का डॉक टाइप जो है वो किस तरह से वर्क करता है, हमने उसको डिक्लेयर करना होता है इस तरीके से, ये हमने अपनी एग्जांपल में भी देखा है। उसके बाद हम बात करेंगे HTML की हेडिंग्स के बारे में। हेडिंग्स बेसिकली क्या है, हमारे पास तीन किस्म की या छः किस्म की टोटल हेडिंग्स होती हैं। इसको ट्राई करके देखते हैं, ये देखें यहाँ पर छः की छः हेडिंग्स लिखी हुई हैं, और ऊपर सबसे पहले हम लिखेंगे डॉक टाइप HTML, जो कि बताएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट का टाइप है वो HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर HTML का टैग स्टार्ट हो रहा है और बॉडी के एंड तक जा रहा है, उसके बाद बॉडी का टैग है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हेड का टैग नहीं है, अगर आप हेड का टैग नहीं भी यूज़ करते तब भी आपको कोई ना कोई चीज़ डिस्प्ले होगी, लेकिन हेड के टैग के अंदर बेसिक हम क्या करते थे कि जो भी हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ आता था वो टाइटल में लिखा आता था, और टाइटल जो टैग है वो हेड के टैग के अंदर ही यूज़ होता है, ऐसे टैग्स को बोलते हैं नेस्टेड टैग्स। ये भी बेसिकली बॉडी भी जो है वो नेस्टेड टैग ही है, जैसे ये HTML के टैग के अंदर ही हम यूज़ कर सकते हैं, ना कि इसको HTML टैग के बाहर यूज़ कर सकते हैं। तो पहले HTML का टैग है, फिर उसके बाद बॉडी का टैग है, तो इस बॉडी का टैग जो है ये HTML टैग के अंदर है, और इस बॉडी के टैग के अंदर भी मज़ीद बहुत सारे टैग्स आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टैग्स हैं, उन टैग्स के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, बहुत मुश्किल नहीं है ये, बहुत इजी है, इसको सीखना बहुत आसान है, और ये ऐसे ही है जैसे हम पेंटिंग करते हैं। जैसे पेंटिंग करने के लिए हम चीज़ें सेलेक्ट करते हैं, अगर हमने किसी चीज़ का साइज़ ज़्यादा रखना है तो उसके लिए साइज़ बढ़ाना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर भी उसी तरीके से ही आएंगी। अब आप देख सकते हो कि H1 जो है बेसिकली ये सबसे बड़ी हेडिंग, अगर हमने अपने पेज के अंदर सबसे बड़ी हेडिंग या कोई चीज़ ऐसी जो सबसे वाज़ह शो करवानी होती है उसको हम H1 के टैग के साथ लिखते हैं,
उसके बाद H2 है, H2 उससे थोड़ा सा साइज़ छोटा है, उसी तरीके से H3, H4, H5 और H6। H6 का साइज़ तो नियर अबाउट के मैं मुश्किल से देख रहा हूँ इसको। तो ये इस तरीके से वर्क करती हैं हेडिंग्स। आप देख सकते हो यहाँ पे H1 का टैग स्टार्ट हुआ, दिस इज़ हेडिंग 1 लिखा हुआ है, और H1 का टैग क्लोज हो गया। तो ये सारा हमारा क्या कहलाएगा, एक एलिमेंट। ठीक है, टैग हमारा है H1 और ये सारा H1 का एलिमेंट है। फिर उसके बाद H2 भी इसी तरीके से वर्क कर रहा है। ये बेसिक हेडिंग्स हैं, हेडिंग के टैग्स हैं जो हम यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम्स में या अपने वेब पेजेस जो भी हम बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास HTML पैराग्राफ। पैराग्राफ का टैग मैंने आपको बताया कि P के टैग से स्टार्ट होता है और P के टैग से फॉरवर्ड स्लैश के साथ ये क्लोज हो जाता है। जो भी चीज़ इसके अंदर लिखी होती है वो एज अ पैराग्राफ हमें शो होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बॉडी के अंदर पैराग्राफ है, दिस इज़ पैराग्राफ और दिस इज़ अनदर पैराग्राफ, और इसकी आपको जो रिज़ल्ट है आपके ब्राउज़र पे जो चीज़ शो होगी वो इस तरीके से आपको डिस्प्ले में आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लिंक्स। HTML लिंक्स। लिंक्स हम क्यों यूज़ करते हैं, मैंने आपको शायद पहले भी बताया हो, तो अब मैं दोबारा बताता चलता हूँ कि लिंक बेसिकली होता है, जैसे मेरा YouTube चैनल है, मैं आपको WhatsApp में उसका लिंक सेंड करता हूँ। जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो आपको WhatsApp पे ही मेरी वो वीडियो सारी शो नहीं होती, बल्कि आपका जो मोबाइल है वो आपको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है और वहाँ का इंटरफेस शो करता है। अगर वो लिंक है YouTube का तो वो आपको YouTube पे ले जाता है और मेरी वीडियो वहाँ पे प्ले कर देता है। तो लिंक बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं। और इसको पेजेस के अंदर बहुत दफ़ा हमने देखा है कि ब्लू कलर की लाइन लिखी हुई होती है, उसके ऊपर जाते हैं हम तो वो हमारा जो माउस होता है वो हैंड का निशान बन जाता है एक, और वो उससे सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम इस लिंक पे जाना चाहते हैं तो वो हम चले जाते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसका टैग क्या है, इसका टैग है ए। ए बेसिकली इसका टैग है, सिंपली हमने एक टैग के अंदर ए लिखना होता है। ये बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी है, इसके एट्रीब्यूट हैं कि किस तरीके से हमने टैग को मेंशन करना है, ए के टैग के अंदर ही। मतलब ये जो कर्ली ब्रेसिस जो सॉरी ये एंगल ब्रैकेट जो है वो क्लोज होने से पहले ही हमने ये सारी चीज़ लिखनी है। लिखना क्या है, हमने एच रेफरेंस, मतलब जो हाइपर टेक्स्ट है उसका रेफरेंस हमने देना है HREF। ये एज इट इज़ कीवर्ड हमने लिखना है यहाँ पे, इज इक्वल टू लगा के इसका एड्रेस। अब जैसे ये चैनल की वीडियोस है मेरी और यहाँ इसका जो एड्रेस है वो ये है मेरे पास, इसको एज इट इज़ अगर मैं कॉपी करूँ और मैं जाऊँगा वापस अपने एग्ज़ाम्पल पे, तो इसको मैं ट्राई इट योर सेल्फ करूँगा। तो यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले यहाँ पर एग्ज़ाम्पल में लिखा हुआ है H2 की HTML लिंक्स हैं, कि बताएगा कि ये HTML लिंक्स हैं, ये H2 के साथ, और पैराग्राफ एक लिखा है, ये बेसिकली लिंक है। लिंक हमने किस तरह से लगाना है, ए का टैग स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर HREF लिखेंगे और इज इक्वल टू और आगे कोई भी लिंक हमने दे देना है, और दिस इज़ अ लिंक। यहाँ पर जो भी चीज़ हम लिखेंगे उस चीज़ के ऊपर ये लिंक या उस चीज़ के बैक एंड पे ये लिंक लगा होगा जिसको हम क्लिक करेंगे तो ये वहाँ पर हमें ले जाएगा, ना कि अगर हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखते तो फिर हमें ये क्या शो करता है। जैसे अभी ये लिखा हुआ था तो यहाँ पर ये देखो लिंक लगा है, और ये माउस का निशान था पहले देखो, और अब हैंड का निशान बन गया, मतलब यहाँ पे कोई बैक एंड पे चीज़ है, ये कोई लिंक लगा। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये W3 स्कूल जो है इनकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे जो है मैं पहले तो आपको दिखाता हूँ कि अगर तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे हम तो क्या हमें डिस्प्ले होना चाहिए। सॉरी, ये देखो अब मैंने लिंक भी लगाया हुआ है, एक अटैग भी यूज़ किया है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं क्लिक करके उस पर जा सकूं, क्योंकि जो ब्राउज़र है उसने टैग्स को रीड नहीं, टैग्स को रीड तो करना है लेकिन उनको डिस्प्ले नहीं करवाना। तो डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पे हमें कोई भी चीज़ चाहिए होगी, जैसे मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ लिंक। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो रन करके देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया लिंक, और इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये W3 स्कूल पे मुझे ले जाता है। अब इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करके यहाँ पे मैं जो मैंने अभी अपने चैनल का जो
एड्रेस कॉपी किया, उसे मैं पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखते हैं कि ये रन होता है कि नहीं। तो ये यहाँ पर अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो ये बेसिकली ये अकाउंट मांग रहा है यहाँ पे, रिफ्यूज्ड टू कनेक्ट अकाउंट्स डॉट गूगल डॉट रिफ्यूज टू कनेक्ट। ये कोई स्टूडियो बेसिकली था मेरा ओपन, अगर मैं कोई यूट्यूब की वीडियो पे जाऊँ, और ये बेसिकली इसका यूट्यूब पे मैं जाता हूँ, ये मेरे चैनल के अंदर था, तो उसके लिए उसको पासवर्ड भी चाहिए होना था वहाँ तक जाने के लिए। तो यहाँ पे ये बच्चे मेरे अकाउंट से देखते रहते हैं कार्टून। तो इसका मैं लिंक देखता हूँ, ये देखें, ये इसका बेसिकली लिंक है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करके हम अपनी एग्जाम्पल में इस कोड को लगाते हैं। अब इसको चेंज कर लेते हैं ताकि मुझे पता चले कि इसमें चेंजिंग आई है। ये दिस लिंक, इस पर क्लिक कर रहा हूँ और ये अभी भी YouTube पे नहीं मुझे लेके जा रहा, क्योंकि ये ऑनलाइन एडिटर है। अगर आप यही एग्जाम्पल अपने नोट पैड पर करोगे, चलिए यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। ए का टैग स्टार्ट करेंगे, साथ में आपको लिखना पड़ेगा एच रेफरेंस और इज इक्वल टू, कोटेशन के अंदर लिखना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप कोटेशन के अंदर ही चीज़ें जो है वो लिखें। तो यहाँ पर मैं वो लिंक जो है वो पेस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये टैग जो है वो क्लोज हो गया है। इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ कि YouTube लिंक, जो मुझे जिसके ऊपर ये लिंक लगा होगा, जिस कीवर्ड के ऊपर ये लिंक लगा होगा, YouTube लिंक ऐसे इसके दरमियान में लिख रहा हूँ, और आगे ए का टैग जो है वो मुझे क्लोज भी करना है। ये मैं कर रहा हूँ यहाँ पे सेव। अब जहाँ पे हमारी ये फाइल ओपन थी, ये माई फर्स्ट पेज पे, तो इसको मैं करता हूँ रिफ़्रेश। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, लिंक आ गया है। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे YouTube की उसी वीडियो पे लेके जा रहा है। तो ये बेसिकली वर्क होता है इसका लिंक्स का, और लिंक्स को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं अपने वेब पेजेस के अंदर। गूगल का लिंक लगा सकते हैं आप, अपने किसी और पेज का लिंक लगा सकते हैं आप, किसी भी चीज़ का लिंक यहाँ पे, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लगा सकते हो। अब बात करेंगे हम HTML इमेजेस के बारे में। तो HTML इमेजेस आर डिफाइंड विद IMG टैग। इसके लिए क्या टैग यूज़ करते हैं हम? IMG का। मैं आपको बताता चलूँ कि जितनी भी चीज़ें हम, जितनी भी फंक्शनैलिटी इसमें परफॉर्म करेंगे, सारी की सारी टैग्स पे बेस्ड हैं, इसलिए इसको मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। इसमें मार्क्स हैं जो, जिनको हम बोलते हैं टैग्स। तो टैग्स हमने याद करने होते हैं कि इमेज लगाने के लिए हमें IMG का टैग चाहिए, या लिंक लगाने के लिए ए का टैग ज़रूरी है, टाइटल देने के लिए टाइटल का टैग ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हमें याद करनी पड़ेंगी, जो कि बहुत ईजी है, क्योंकि इमेज अगर लगानी है तो IMG इमेज की शॉर्ट फॉर्म है, तो हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से इमेज जो है वर्क कर रही है, या इसका टैग जो है वो कौन सा है, ये याद करना बहुत ईजी है। अब इसके अंदर कुछ जो है आल्टरनेटिव टेक्स्ट और सोर्स फाइल भी हम यूज़ करेंगे, वो किस तरीके से, जैसे आप देख सकते हो टैग जो है हमारा IMG का, इसके अंदर ही हमने क्या करना है, src इज इक्वल टू w3school.jpg, ये उस फाइल का नाम, मतलब src का मतलब है कि सोर्स, इस इमेज का सोर्स कहाँ से लेना है। आल्टरनेट को हम अभी छोड़ देते हैं, इसको हम ट्राई करते हैं, और ये सारा कोड मैं कट कर देता हूँ ताकि आप सिर्फ और सिर्फ इमेज की एग्जांपल ही देख सको। अब ये इमेज हमें वेब ब्राउज़र पे नज़र आ रही है। अब वो इसको लाने का तरीका क्या है, IMG लगाएंगे आप टैग के अंदर ही, और इसके एट्रीब्यूट्स, ये बेसिक जो नाम है जो आपको थोड़ा डिफरेंट कलर में नज़र आ रहा है, ये टैग का नाम है। आगे जितनी भी चीज़ें हैं ये सोर्स है इसका, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, इसकी खसूसियात हैं, जो कि IMG टैग के साथ ही हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहले हमें सोर्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसका सोर्स क्या है। अभी आल्ट जो है आल्टरनेटिव, इसको मैं रेज कर देता हूँ, इसके बगैर भी हमारे पास सेम चीज़ ही नज़र आएगी।
अब यहाँ आप देख सकते हो आगे विड्थ है, स्पेस आगे विड्थ इज इक्वल टू, ये बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी है विड्थ, और ये उस विड्थ को इज इक्वल टू के बाद हम कोई ना कोई वैल्यू देते हैं। तो विड्थ उसकी कितनी होनी चाहिए, 104, और हाइट उसकी 142। इसको हम चेंज करके देख सकते हैं कि इसमें क्या फ़र्क आता है। 204 कर लेते हैं और देख सकते हो कि इसकी विड्थ जो है वो यहाँ पर बदल गई है। इसी तरीके से हम इसकी हाइट भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी हाइट भी चेंज होगी। तो ये इमेजेस लगाने का तरीका है। यही अगर मैं एड्रेस कॉपी करता हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, उसको रन करके देखते हैं तो ये देखो दो इमेजेस आ गई यहाँ पे। तो जब भी हमने इसका भी कोई क्लोजिंग टैग नहीं है इमेज का, तो आप देख सकते हो कि IMG सोर्स हमने बताना होता है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमने रेज किया था आल्टरनेटिव जो था, ये क्या करता है कि ऐसा होता है काफ़ी दफ़ा जब हम या फेसबुक लाइट यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर क्या होता है कि इमेजेस की तस्वीर जो होती है वो नज़र नहीं आती। तो तस्वीर के पीछे अगर हम कुछ लिखवाना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कभी नेट स्लो होता है तो इमेज लोड नहीं होती हमारी, तो वो जब इमेज लोड नहीं होती तो उसकी जगह पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ आता है, तो वो हम आल्ट की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। ALT आल्टरनेटिव, इसका मतलब होता है आल्टरनेटिव इज इक्वल टू, इसमें कोई भी वैल्यू देंगे, या आप लिख सकते हो यहाँ पे कि योर नेट इज़ स्लो दैट्स वाई यू कैन नॉट सी दैट पिक्चर। तो इस तरह से कोई भी आप मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हो। अभी तो मेरा नेट बिल्कुल ठीक है, इस वजह से हमें जो है वो एग्जैक्ट पिक्चर नज़र आ रही है। अगर वो नेट में कोई इशू हो तब वो उसके आल्टरनेटिव मतलब इमेज नहीं नज़र आएगी, तब ये आल्ट जो है मैसेज वो नज़र आएगा। अब हम थोड़ी सी HTML एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि HTML एलिमेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जहाँ से टैग स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे टैग क्लोज हो रहा है वहाँ तक उस सारी चीज़ को हम बोल सकते हैं HTML एलिमेंट है ये। जहाँ से टैग स्टार्ट, सम कंटेंट उसके अंदर आएगा, और एन एंडिंग टैग, और जब एंड हो जाएगा वो टैग तो वो सारा उसका कहलाएगा HTML एलिमेंट। ये H1 का HTML एलिमेंट है, ये पैराग्राफ का HTML एलिमेंट है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ एलिमेंट्स, कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिन जो स्टार्ट भी होते हैं, कुछ एलिमेंट का कंटेंट भी आता है और एंड भी होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं टैग्स हमारे पास जो कि सिर्फ स्टार्ट होते हैं और अपनी फंक्शनैलिटी वहीं पे परफॉर्म कर देते हैं, उनके अंदर कोई एलिमेंट कंटेंट नहीं होता और कोई उनका एंडिंग टैग भी नहीं होता। नेस्टेड एलिमेंट्स की भी हमने बात की कि नेस्टेड एलिमेंट्स किस तरह से होते हैं कि जो HTML है उसके अंदर डिफरेंट टैग्स हैं, बॉडी के अंदर डिफरेंट टैग्स आगे यूज़ होते हैं। फिर इसी तरीके से हेडिंग के अंदर भी हम डिफरेंट टैग यूज़ कर सकते हैं, हेडिंग के अंदर पैराग्राफ का टैग भी यूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ के अंदर हेडिंग का टैग भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको बड़े फन तौर पे या अपने लॉजिक या अपने दिमाग के हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और इनको आपस में मैनिपुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बॉडी के बारे में थोड़ी सी चीज़ें डिफाइन की गई हैं कि बॉडी चूँकि एक खुद एक टैग है, उसके अंदर बाकी जो टैग्स हम यूज़ करते हैं वो सारे इसके नेस्टेड टैग्स होते हैं। नेवर स्किप द एंड टैग, हमने कभी भी एंड टैग को स्किप नहीं करना है। लेकिन क्या होता है, कुछ टैग्स ऐसे भी होते हैं जो बगैर एंडिंग टैग के भी रन करते हैं वैसे ही प्रॉपरली जैसे वो टैग्स के साथ करते हैं। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं, जैसे पैराग्राफ है तो पैराग्राफ स्टार्ट टैग के साथ हमने यूज़ किया, इसका एंडिंग टैग यहाँ पर हमने नहीं लगाया। अब एक के साथ मैं एंडिंग टैग लगा देता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि कोई फ़र्क नहीं महसूस मालूम हुआ हमें, या कोई फ़र्क इसमें आया ही नहीं बेसिकली, क्योंकि ये स्टार्टिंग टैग से तो स्टार्ट हो रहा है लेकिन एंडिंग टैग से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कहाँ पर ये एंड हो रहा है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप जो भी टैग स्टार्ट करो उसे एंड करो। अब जैसे बॉडी का टैग अगर हम नहीं लगाएंगे यहाँ पे, सपोज करो इसको मैं ख़त्म नहीं कर रहा, तब भी ये हमारे पास जो है डिस्प्ले में वही चीज़ नज़र आ रही होगी। लेकिन कुछ टैग्स ऐसे हैं कि जो टैग जो है वो बगैर एंडिंग टैग के यूज़ ही नहीं होते चीज़ें, उनको भी हम देखेंगे अगली प्रैक्टिस अगली एग्जांपल्स में हम प्रैक्टिस करेंगे, तो वो हमें सारे टैग्स जो हैं वो आपके माइंड में बैठ जाएंगे और अच्छे तरीके से उन्हें कहाँ कहाँ यूज़ करना है ये भी आपको पता चल जाएगा।
एम्प्टी एचटीएमएल एलिमेंट्स किसे किन्हें बोलते हैं? ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे टैग्स जिनके आगे कोई कंटेंट नहीं हम लगा सकते, या कोई कंटेंट होता ही नहीं है बेसिकली। तो ऐसा टैग है बीआर, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में भी आपको बताया कि ये ब्रेक करने के लिए, किसी पैराग्राफ की लाइन को ब्रेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ये इसकी एग्जांपल है। बीआर इसका टैग है, और पैराग्राफ दिस इज़ अ बीआर, आगे टैग लगाया हुआ है पैराग्राफ विद अ लाइन ब्रेक। इसको हम ट्राई करते हैं कि ये किस तरह हमें डिस्प्ले करवाता है वेब ब्राउज़र पर। ये आप देख सकते हो, दिस इज़ अ, यहाँ पर हमने जो कोड में या फाइल जो हम बना रहे थे उसमें जब हमने लिखा तो बी आर का कोड यूज़ किया। अब उसने बी आर का कोड यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करवाया, बल्कि क्या करवाया, बी आर का टैग यहाँ पर उसने उसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाई है, जो कि है लाइन को ब्रेक करने की। ये बेसिकली जब हम पैरा कोई लिख रहे होते हैं उसमें कोई लाइन ब्रेक हमने यूज़ करनी हो तब हम इसको यूज़ करते हैं। इसको अगर मैं कंट्रोल कॉपी करके यहाँ पर फिर से पेस्ट करता हूँ और फिर रन करता हूँ, तो ये आप देख सकते हो कि दिस इज़ अ पैराग्राफ विद अ लाइन ब्रेक। ये यहाँ पर मैंने दो लाइन ब्रेक्स लगाई हैं, इसलिए दो दफ़ा लाइन जो हैं वो ब्रेक हो रही हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, आई होप कि आपको समझ आया हो, और इसको आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। और मुझे इसकी आपने कोई ना कोई फाइल जो है, कोई ना कोई चीज़ जो है बना के, वो आपने मुझे उसकी पिक्चर सेंड करते रहा करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।